वेलकम टू इन्फोसिक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप एयरटेल के वेब टीवी कैसे देख सकते हो, मतलब आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड स्मार्ट टीवी पे अभी टीवी देख सकते हो वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वेबसाइट है www.airtelstream.in, तो ये वेबसाइट आपको ओपन करना होगा। देन अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना होगा, मतलब एयरटेल के नंबर से जिस नंबर पर आपका पैक है। पहले तो आप एयरटेल के टीवी ऐप डाउनलोड कर सकते थे अपने एयरटेल मोबाइल पे, देन आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप अपने डेस्कटॉप पे टीवी देखना चाहते हो एंड लैपटॉप पे, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने airtelstream.in ये जो वेबसाइट है ये ओपन कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारा टीवी चैनल है एंड साथ में आप मूवी भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो जो चैनल का लिस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, न्यूज़ चैनल, मूवी चैनल। लेकिन एयरटेल का सभी चैनल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एयरटेल टीवी में जितने सारे चैनल है सब चैनल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे वेब सीरीज भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, देन आप अपने मोबाइल नंबर देके लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आप टीवी देख सकते हो। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर देखिए लाइव टीवी का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो ये जो मूवी है, देखिए द लेजेंड ऑफ टार्जान। तो अगर आप ये देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है तो इसीलिए अभी बफरिंग हो रहा है, ये ठीक से चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए जी न्यूज, तो जी न्यूज आप देख सकते हो। नीचे बहुत सारा टीवी चैनल का लिस्ट है एंड यहाँ पर देखिए टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी है, एंड पिक्चर पर हो रहा है। नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे सिमिलर टीवी चैनल है, जैसे कि सोनी मैक्स, जी सिनेमा एंड और भी बहुत सारे चैनल। तो अगर आप इन चैनल को देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, बहुत सारे चैनल का लिस्ट है यहाँ पे। तो आप बड़ा स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए NDTV जो चैनल है न्यूज़ चैनल का, वो अभी चल रहा है, इजीली आप देख सकते हो। अगर आपके घर में नेट का स्पीड ज़्यादा है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अगर आपके पास नेट कनेक्शन है तो अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करके टीवी चैनल देख सकते हो। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप बता सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल इन्फोसिस को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए।